और मैंने तुरंत बैग वहाँ से निकाला, फटाफट पहना। सो मैं जा रहा हूँ थोड़ी शॉपिंग करने, सामान हो गया मेरा ख़त्म। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक। सो मैं पहुँच चुका हूँ भुवनेश्वर। देखो कितनी ताज्जुब सी बात हुई, जब मैं चिलिका लेक से पूरी पहुँचा ना, भुवनेश्वर की बस जाते हुए मिली मेरे को, तुरंत मिल गई। और मैंने तुरंत बैग वहाँ से निकाला, फटाफट पहना, फिर बस पकड़ी। हार्डली 3 सेकंड में बस जा ही रही थी, और उन कंडक्टर ऑटो भैया ने ऐसे रोका बस को, इसमें चले जाओ, ये भुवनेश्वर जा रही है। मैं फटाफट बैग निकाला, बैग पहना और आ गए, और बस गया 2:30। सो अभी मेरा ये प्लान है कि धर्मशाला ढूंढना यहाँ पे। आई एम वेरी टायर्ड यार, जहाँ मैंने देखा था ना मैप में, वो फिलहाल अभी 1 किलोमीटर दूर है। अब पता नहीं वहाँ मिले या ना मिले, नहीं मिला तो दूसरा देखना पड़ेगा, जो वहाँ जो 2 किलोमीटर दूर है, मुझे ई रिक्शा करना पड़ेगा। वहीं से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ई रिक्शा लेना पड़ेगा उसके पास। तो यार यहाँ पे एक होटल है, मैं बात करता हूँ, मैं नहीं जा रहा यार धर्मशाला इतना दूर। यहाँ पे पूछता हूँ, सस्ता हुआ ठीक तो मैं ले लूँगा। सो भाई मुझे रूम मिल गया फाइनली, डबल बेड है, होटल है। मैं नहीं जा रहा यार 1 किलोमीटर दूर, वरना मेरा ई रिक्शा करने का मन है फालतू खर्चा। तो ये मुझे पड़ा 1000 रुपीज़ का, बोल 1100 बोल रहे थे, बोला 1000 रुपये दे दे चलो। सो यहाँ पे सब कुछ नियर है, खाने का, बस अड्डा, एवरीथिंग। थक गया हूँ यार, बहुत थक गया हूँ। बट ये है कि मेरा जो जर्नी है ये स्टिल प्लान के हिसाब से चल रहा है, जो बहुत ही बढ़िया है। कमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा है, डबल बेड है ये, शीशा अच्छा है, ये वाला मुझे अच्छा लगा कमरा, ये देखो। और बाथरूम में शावर है, ओके। एसी नहीं है, एसी भी है उधर, एसी भी है और टीवी भी है। सही है यार, 1000 रुपीज़ में टीवी है, एसी है, मुझे अच्छा लगा। अब ये भुवनेश्वर है ना, यहाँ पे बहुत ही कम चांस है कि होटल में आपको 800-900 रुपये का मिलेगा। मिल सकता है, बट वो आपको ढूंढना पड़ेगा या बार्गेनिंग वो आपको। मेरा बार्गेनिंग भी इतना मन से, मैं अंकल आप 1000 कर दो यार, थक गया हूँ बड़ा, मतलब लेट आया, मतलब देखो बोझा भी उठा रखा है, अब कहाँ जाऊँगा आप। अब मैं धर्मशाला में जो ढूंढने आया वो 1 किलोमीटर दूर है, आप समझो ठीक है, तो 1000 दे दे चल। थोड़ा मैं फ्रेश होता हूँ। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो अब नींद खुली है मेरी, सच में यार मैं बहुत टायर्ड हो गया था, तो मैंने बैग सीधा निकाला, सीधा बिस्तर पे। यस यार, जूते मैंने तो सॉक्स पहनी रखी थी, फिर मैं सीधा बिस्तर पे गिर गया और अच्छी नींद आई। फिर मैं नहाने चला गया, फिर मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया। सो अभी फ़िलहाल मैंने बनाया है अपना सूप, जो सूप से मुझे मिलेगी एनर्जी, और एनर्जी से मैं रहूँगा एक्टिव। वैसे तो नहाने के बाद भी मैं एक्टिव हो गया था, यहाँ मैंने कुछ अपने कपड़े सुखाए हुए हैं, और यहाँ पर AC दिया है, TV दिया हुआ है, और पानी की भी सुविधा दी गई है, नीचे एक्वा गार्ड लगा रखा है, तो आपको जितना पानी चाहिए, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। हाँ, अगर फ्री वाईफाई दे देते तो फिर तो और भी कमाल की बात होती, फिर मैं समझ सकता था कि हाँ भाई 1000 रुपये पूरे पैसे वसूल हो जाते मेरे। ओके, सो अभी फ़िलहाल तो मैं अभी सूप पी रहा हूँ, मतलब गर्म हो गया है केटली में, भाई केटली आज बहुत काम की आ रही है। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं बाद में, आई थिंक अभी 5:10 हुए हैं, तो 5:10 ठीक है, तो मैं 5:30 बजे थोड़ा बाहर घूम के आऊँगा। आज मेरा कोई प्लान नहीं है यहाँ जाने का, कल सुबह मैं जाऊँगा, अभी फ़िलहाल बहुत थक गया हूँ, क्योंकि सीधा चिलिका लेके भुवनेश्वर, फिर मैं होटल ढूँढा, फिर हाँ इसमें तो बहुत टाइम लग गया, स्ट्रेस भी भाई थक गया था। अभी फिलहाल सूप पीते हैं,
फिर थोड़ा बहुत भार, थोड़ा खाने का देखते हैं क्या क्या है, और वैसे है नीचे दिया हुआ है, पर मैं थोड़ा और आगे मॉल्स भी हैं साइड साइड में, वो भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं सूप पीता हूँ ख़त्म, और जब तक आप इस वीडियो को कर दो लाइक एंड कर दो अपने शेयर अपने सारे दोस्तों के साथ, और मैं ये सूप कंप्लीट करता हूँ। सो मैं जा रहा हूँ थोड़ी शॉपिंग करने, सामान हो गया मेरा ख़त्म, तो कुछ कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन और भी कई चीज़ें लानी है, तो चलते हैं। मेरे होटल के बाहर ना खाने का तो इंतज़ाम है, मेरे को ढूंढनी है राशन की शॉप, कि वहीं से मैं नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन और भी चीज़ें हैं, तो राशन दुकान से ही मिलेगा। और मैं आई थिंक 6:15 हो गए हैं, 6 या 6:15 हो गए, यहाँ से चलते हैं एक बार, यहाँ देखते हैं, यहाँ पूछते हैं। भुवनेश्वर में रात का कुछ ऐसा सीन है कि आप देख सकते हो, रोड क्रॉस करते हैं, नहाने का साबुन हो गया, कपड़े धोने का भी हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, एक सूप लेना है मेरे को और एक बिस्किट और एक नमकीन का पैकेट। अभी फ़िलहाल तो खाने का ये हिसाब है कि आधा घंटा रुकना पड़ेगा, तो अभी कितना बजा है, चलो 6:30 हो गए होंगे ना, तो मैं यहाँ 7:30 बजे आऊँगा। बाकी हवा बहुत मस्त आ रही है, ठंडी ठंडी हवा। इतना बड़ा तंदूरी रोटी, उसको बोलते हैं रुमाली रोटी, और मिक्स वेजिटेबल, 12 रुपये की रुमाली रोटी। तो मैंने बोला भैया 3 पैक कर दो, 3 रुमाली रोटी और एक मिक्स वेजिटेबल हाफ प्लेट। 12 रुपये भाई बहुत महंगा होता है, हमारे यहाँ दिल्ली में आई थिंक 2 रुपये की तंदूरी रोटी, पर साइज बहुत छोटा होता है, बट यार 12 रुपये स्वाद लाजवाब। और सब्जी में पनीर डाल दिए, छोले डाल दिए, दाल डाल दी है, शिमला मिर्च डाल दिए है, गाजर डाल, सारा मिक्स वेजिटेबल वो भी डाल दिए, सब कुछ एकदम कहते हैं ना बेस्ट।